नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में। जी हां, जिनका नाम है श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत जिचकर ने सबसे ज्यादा डिग्री हासिल करने और भारत का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्वास करना मुश्किल है कि किसी का पढ़ाई में इतना मन भी लग सकता है। शौक के लिए पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पढ़कर परीक्षा देना, डिग्री हासिल करना, वो भी अच्छे नंबरों से, वाकई कमाल है। श्रीकांत जिचकर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में दर्ज है। श्रीकांत जिचकर जी ने जीवन भर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, वे गजब के प्रतिभाशाली और क्रिएटिव इंसान भी थे, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता के झंडे गाड़े। श्रीकांत जिचकर जी का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। मात्र 50 वर्ष की अल्पायु में डॉक्टर श्रीकांत का निधन 2004 में नागपुर में एक कार एक्सीडेंट में हुआ। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए रिकॉर्ड को शायद ही कोई कभी चुनौती दे पाए। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने 42 से अधिक यूनिवर्सिटी एग्जाम देकर 20 से ज्यादा डिग्रियां अर्जित की। श्रीकांत जिचकर ने ज्यादातर डिग्री प्रथम श्रेणी से पास की और 28 गोल्ड मेडल भी जीते। सन 1972 से 1990 के बीच में उन्होंने हर साल गर्मी में और ठंडी में कुल मिलाकर 42 यूनिवर्सिटी परीक्षाएं दी। श्रीकांत जिचकर ने अपने करियर की शुरुआत एक डॉक्टर के रूप में की। इसके लिए उन्होंने MBBS, MD की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए LLB, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल लॉ, LLM की डिग्री ली। श्रीकांत जिचकर ने इन 10 विषयों में मास्टर की डिग्री हासिल की है। MA लोक प्रशासन, MA मनोविज्ञान, MA अर्थशास्त्र, MA संस्कृत, MA इतिहास, MA इंग्लिश साहित्य, MA दर्शन शास्त्र, MA राजनीति शास्त्र, MA प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, और MA नागरिक शास्त्र। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन DBM MBA की डिग्री ली। पत्रकारिता के क्षेत्र में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री ली। संस्कृत में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर प्राप्त की। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने 1978 में सिविल सर्विसेज परीक्षा दी, जिसमें उन्हें IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस विभाग मिला, लेकिन उन्होंने IPS ज्वाइन नहीं किया। 1980 में फिर से सिविल सर्विसेज परीक्षा दी। इस बार उन्हें IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिला। डॉक्टर जिचकर IAS की नौकरी में भी ज्यादा दिन नहीं टिके और मात्र 4 महीने बाद ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सन 1980 में डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने महज 25 साल की उम्र में MLA बनकर सबसे कम उम्र में MLA बनने का रिकॉर्ड बनाया। आगे चलकर डॉक्टर जिचकर गवर्नमेंट मिनिस्टर भी बने। मंत्री के रूप में एक समय डॉक्टर जिचकर 14 से अधिक विभागों का काम देखते थे। इस प्रकार श्रीकांत का राजनीतिक सफर भी शानदार रहा। डॉक्टर श्रीकांत को पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पास 52,000 से अधिक किताबों की पर्सनल लाइब्रेरी थी। डॉक्टर श्रीकांत को गीता, उपनिषद, वेद पुराण आदि ग्रंथों का भी गहरा ज्ञान था। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जिचकर सिर्फ एक किताबी कीड़ा ही थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर जिचकर एक पेंटर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, स्टेज एक्टर और शिक्षाविद भी थे। इतने ज्ञानी और प्रतिभावान व्यक्ति होने के बावजूद भी भारत के सबसे ज्यादा एजुकेटेड आदमी डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाई और देशवासियों की सेवा करने का फैसला किया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। श्रीकांत जिचकर जी जैसे अद्भुत इंसान के बारे में इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कई अन्य लोग भी इन्हें जान सके। धन्यवाद।